नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 64,180 करोड़ की है ये स्कीम, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और मजबूत। खुशखबरी, SBI ने सस्ता किया लोन, बेस रेट 0.05% की कटौती, होम लोन और ऑटो की EMI होगी कम। अब 1 अक्टूबर से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक, अलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है आपका खाता तो तुरंत बैंक से करें संपर्क। अब बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत मिलेंगे 2,000 की जगह 4,000 रुपए। अगर आपने 2019 से पहले खरीदी है कार या बाइक तो 30 सितंबर से पहले हाई सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट लगवा लें, नहीं तो लगेगा जुर्माना। बड़ी खबर, स्विगी और जोमेटो से खाना मंगाना अब हो जाएगा महंगा, GST काउंसिल कमेटी ने की है सिफारिश। गुजरात में पूरी कैबिनेट बदलने पर घमासान के बीच आज 27 नए MLA बनेंगे मंत्री, आज 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। देश में तीसरे चरण के ट्रायल के लिए स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी, DCGI ने दे दी है हरी झंडी। राहत की खबर, इंडिगो इसी महीने शुरू कर रही है 38 नई घरेलू फ्लाइट्स। IPL 2021 पर बड़ी खबर, फैंस को मिलेगी स्टेडियम में जाने की एंट्री। अब इंटरनेट के बगैर भी फोन से कर सकते हैं लेन देन, रिजर्व बैंक ने दे दी है मंजूरी। मास्टर कार्ड पर बैन के 2 महीने बाद RBL बैंक की नई शुरुआत, एक बार फिर से ग्राहक ले सकेंगे क्रेडिट कार्ड। सोने और चांदी के रेट में बदलाव, आज 43,402 रुपए पर पहुंचा 22 कैरेट गोल्ड का भाव। खाने के तेल के दाम आगे भी बढ़ने की आशंका, ज्यादा बारिश होने से घट सकती है पैदावार। संसद TV लॉन्च के मौके पर PM नरेंद्र मोदी बोले, भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक ढांचा नहीं बल्कि जीवन धारा। सोनू सूद के मुंबई स्थित दफ्तर पहुंची आयकर विभाग की टीम, 6 जगहों पर सर्वे करने का दावा। अगले 2 महीने में भारत में सभी वयस्कों को लग जाएगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली वालों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, पटाखों पर लगा बैन। दिल्ली में पकड़े गए 6 आतंकियों ने खोला राज, देश को दहलाने की थी खौफनाक साजिश। भवानीपुर की जंग के मद्देनजर प्रियंका टिब्रेवाल के सामने TMC कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, बढ़ गई है तनातनी। BJP RSS पर राहुल गांधी का तीखा हमला, बोले कि ये धर्म की दलाली करते हैं। रेलवे 16 सितंबर से चलाएगा 14 पैसेंजर ट्रेनें, बिहार के यात्रियों के लिए सफर होगा आसान। तालिबान में रार, हक्कानी नेटवर्क के नेता से तीखी बहस के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने काबुल छोड़ा। एम्स के प्रोफेसर बोले, केरल में खत्म हुई कोविड की पीक, 2 सप्ताह में कम होंगे मामले। सिद्धू बोले, बादल ने बोए काले कानून के बीज, इन्होंने ही मोदी को दिया था कृषि कानून का आइडिया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,176 नए मामले और 284 लोगों की मौत। राकेश टिकैत ने अवेसी को बताया BJP का चचा जान, कहा कि दोनों हैं एक ही टीम। UP ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे पहले 9 करोड़ वैक्सीनेशन को किया पार। दिल्ली सरकार अब बदलेगी शराब बिक्री का तरीका, नई आबकारी नीति से होगी 3500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई। दिल्ली में 8वीं क्लास तक के स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, जारी हुई नई गाइडलाइन। तेज प्रताप की छात्र जनशक्ति परिषद ने जारी किया चुनाव चिन्ह, लालू की लालटेन को हाथ में पकड़ा। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर बंद रास्तों को खुलवाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। भारत ने इस्लामिक संगठन और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कहा कि आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का हक नहीं। पंजाब को दहलाने की साजिश, 4 आतंकियों को पुलिस ने पकड़ा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जारी किया हाई अलर्ट। राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, छोटे उद्यमियों, दस्तकारों, बुनकरों के लिए 8.04 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। ऐसे ही और जरूरी खबरों को जानते हैं विस्तार से, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें।
1 अक्टूबर से अब नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक। इन सरकारी बैंकों में है अगर आपका अकाउंट, तो तुरंत बैंक से करें संपर्क। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। देश के 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का चेकबुक बेकार होने वाला है। ऐसे में अगर आपका अकाउंट भी इन बैंकों में है तो समय रहते चेकबुक बदलवा लें। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड होने जा रहे हैं। इसलिए इन सभी बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपनी शाखा में जाएं और नए चेकबुक के लिए आवेदन कर दें। अब बच्चों को इस स्कीम के तहत मिलेंगे 2000 की जगह 4000 रुपए। जाने क्या किए हैं सरकार ने बदलाव। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने इस देश में जब से अपने पैर पसारे हैं तभी से मानो कई लोगों के घर परिवार बिखर गए हैं। कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है। ऐसे में इन बच्चों का सहारा बन अब साथ दे रही है केंद्र सरकार। जी हाँ, सरकार ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लॉन्च किया है। सरकार इसके तहत बच्चों को 2000 रुपए देती है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। अब केंद्र सरकार 2000 की जगह 4000 रुपए देगी। IPL 2021 पर आई है बड़ी खबर। अब फैंस को मिलेगी स्टेडियम में एंट्री। जाने कैसे खरीद सकते हैं टिकट। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 यानी कि IPL 2021 का दूसरा फेज शुरू होने में महज 3 ही दिन बचे हुए हैं। 18 सितंबर से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले के साथ ही एक बार फिर से IPL 2021 की जंग शुरू हो जाएगी। हालांकि इस मुकाबले से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि IPL में फैंस की वापसी हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते IPL फैंस के बिना ही खाली स्टेडियम में खेला जा रहा था, लेकिन बुधवार को BCCI ने जानकारी दी है कि अब दूसरे फेज में फैंस स्टेडियम में बैठकर इस लीग का मजा ले सकेंगे। और आपको बता दें कि फैंस 16 सितंबर से IPL मैचों के टिकट खरीद सकेंगे। टिकटों को IPL की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। रेलवे 16 सितंबर से चलाएगा 14 पैसेंजर ट्रेनें। बिहार के यात्रियों के लिए सफर हो जाएगा आसान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान ही संक्रमण के खतरे को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया था, लेकिन रेलवे अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन ट्रेनों के संचालन को फिर से बहाल कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली 7 जोड़ी यानी कि 14 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन गुरुवार यानी कि 16 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। रेलवे के इस फैसले से बिहार के स्थानीय नागरिकों के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा। दिल्ली में 8वीं क्लास तक के स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, जारी हुई नई गाइडलाइन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते बंद किए गए पूरे देश के स्कूलों को एक बार फिर से खोला जा रहा है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि 1 सितंबर से दिल्ली गाइडलाइन के तहत फिर से स्कूल खोले जाएंगे। वहीं अब इसी बीच एक ताजा खबर सामने आई है। दरअसल अब दिल्ली में 8वीं क्लास तक के स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि 9वीं और उससे ऊपर की क्लासेस 50% क्षमता के साथ स्कूल खुले रहेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।